छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्षों में अनिल यादव का नाम लिखे जाने से हंगामा, छात्रसंघ भवन पर काटा बवाल छात्रों ने। देखिए, ये पूरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा के खिलाफ कार्य किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2012-13 के निर्वाचित अध्यक्ष दिनेश यादव के नाम से बोर्ड हटा के और वहाँ पर एक विशेष लोगों के द्वारा, जो अराजक तत्व लोग हैं, गुंडे हैं, उन लोगों के द्वारा उनका नाम मिटा दिया गया है। इसीलिए आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त आंदोलित छात्र यहाँ पर निहाल पे आए हैं कि विश्वविद्यालय में क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगा या नियम और कानून चलेगा। जहाँ तक सवाल है, लोग कह रहे हैं कि इनका मामला हाईकोर्ट में लंबित है। माननीय हाई कोर्ट जो निर्देश देगा, जो उसका दिशा निर्देश रहेगा, उस पर हमारा, हम क्या पूरे देश मानता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उनके नाम को मिटाएगा, ये बहुत ही अराजकता और व्यवस्था का माहौल पैदा कर दिया है विश्वविद्यालय में। हम लोग आज इसीलिए घेराव किए हैं कि जल्द से जल्द दिनेश यादव का बोर्ड पर नाम लिखा जाए और जो विश्वविद्यालय की ये गरिमामयी इतिहास रहा है उसको कलंकित करने का प्रयास न किया जाए। लेकिन चुनाव रद्द के डबल बेंच में मामला चल रहा है हाईकोर्ट में, उससे पहले किसी का नाम जात के आधार पे, लिंग के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे और किसी को हटाया जाए, तो विश्वविद्यालय एक बड़ी जगह है जहाँ से एकता की बात होती है, अखंडता की बात होती है, वहाँ ऐसे माहौल पैदा किए जाएंगे वो देश हित में, राष्ट्र हित में और विश्वविद्यालय के हित में नहीं है। जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर आए थे, उन्होंने ये कहा कि हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है जो शासन चुनाव को गवर्न करता है, उससे बात कर रहे हैं और उसको कहें कि हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें, नहीं नहीं 10 मिनट में खोलने का उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि 10 मिनट में आ रहा हूँ और 10 मिनट बाद हम ये निर्णय लेंगे। हमारी मांग ये है कि उसको छासंग भवन पर यथास्थिति बनाई रखी जाए। जो पूर्वज छासंग अध्यक्ष का नाम है, अगर वह वैधानिक रूप से सही है तो लिखा रहे, अगर हाईकोर्ट ऐसा कोई निर्देश जारी कर दिया हो, वो भी निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय प्रशासन कराए, न कि कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई आवारा लड़का कराए। नहीं हटाएगा तो हमारा आंदोलन नहीं हटाएगा। हाँ, नहीं, हमारा जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलित रहेंगे, अपने हक लड़ाई। ये विश्वविद्यालय की अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है, ये मात्र दिनेश यादव के नाम हटाने का सवाल नहीं है। ये विश्वविद्यालय की पारदर्शिता, शुचिता और यहाँ पर क्या विश्वविद्यालय में सामाजिक सौहार्द बना हुआ है, इसका प्रश्न चिन्ह है। मैं मनोज यादव, छात्र नेता विश्वविद्यालय इलाहाबाद। देखिए, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष दिनेश सिंह यादव का नाम जो बोर्ड पे लिखा जाता है, जो कि 1922-23 से जब से छात्रसंघ बना है तब से लगातार आज तक जितने भी अध्यक्ष हुए हैं सबका नाम लिखा गया है। लेकिन दिनेश यादव का मामला भी हाईकोर्ट में है, तो कुछ अराजक तत्व आकर के उनका नाम को मिटा देते हैं। हम लोगों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से और जिला प्रशासन से भी कि जो यथास्थिति थी उसको बरकरार रखी जाए, पहले जैसे थी उस ढंग से उनका नाम लिख दिया जाए। जो विश्वविद्यालय का डिसीजन आएगा, जो हाईकोर्ट का डिसीजन आएगा, वो हम लोगों का मान्य है। लेकिन कुछ लोग विश्वविद्यालय कैंपस को अराजक माहौल में बनाना चाहते हैं और वो लोग नहीं चाहते हैं कि आगे विश्वविद्यालय प्रशासन भी उनका सहयोग कर रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि छात्र संघ बहाल हो, छात्र संघ आगे भी जारी रख सके। मैं राघवेंद्र यादव, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद।